नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चलो करें मतदान। इसी मौके पर जब देखिएगा तो 35 संस्थाएं द्वारा, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, बच्चियां हो या फिर डॉक्टर्स हो, निजी संस्थाएं के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो, यहाँ पर जब देखिएगा तो एक लंबा सा शहीद भगत सिंह चौक से ये काफिला और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहीद भगत सिंह चौक से लेकर सिटी कोर्ट तक, गाय घाट तक जाने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं? वैसे मानना है कि अनुमंडल प्रशासन भी काफ़ी तत्पर दिख रहे हैं और लगातार प्रयासरत है, जगह जगह चाहे वो नुक्कड़ सभा हो, नुक्कड़ नाटक हो, एक माध्यम से कि आप 1 जून को अवश्य अपने घरों से निकलकर मतदान करें। वैसे देखा जाता है तो मतदान का प्रतिशत घटने की वजह से पूरा देश चिंतित है। इसको बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये पूरा टोली जब देखेगा तो बैंड बाजे के साथ में, स्कूली बच्चे हो, ये तमाम चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, एक तरह का आप कह सकते हैं पूरे परिवार के साथ में इसी अशोक राजपथ से चलता हुआ और गाय घाट पर जाकर समाप्ति होगी। क्या कुछ कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। ये आज यहाँ चलो चले मतदान करें कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर पटना सिटी चौक पर की गई है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ के जनमानस को विभिन्न प्रकार का अधिकार मिला हुआ है, जैसे रहना सहना, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है मतदान करने का अधिकार, और वो मतदान करने का अधिकार जो है देश को बलिष्ठ बनाता है, सशक्त बनाता है। उसी के उद्देश्य से अभी भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित रूप से सभी लोग भागीदारी दें और मतदान करें, निश्चित रूप से देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसी के उद्देश्य से चलो चले मतदान करें कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पटना सिटी चौक से की गई है, जो कि गाय घाट तक जाएगी। पटना सिटी के दर्जनों सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये जुलूस निकाला गया अजय रामदूत फाउंडेशन के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत भी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करेगा संपूर्ण भारत को कि मतदान हमें देना चाहिए। यहाँ स्कूली बच्चे भी आप देख रहे हैं, सैकड़ों स्कूली बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हजारों की संख्या में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वयं मतदाता यहाँ पर रोड सड़क पर उतरे हुए हैं। ये पूरे देश भर को ये मैसेज देगा कि मतदान अवश्य करें, इसके चलते एक सशक्त देश का निर्माण हम लोग कर सकते हैं।